सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। और अभी यहाँ बज रहा है 6:30 बज रहे हैं। यहाँ पे सुबह हो चुकी है और हम उठ चुके हैं। मुझे उठे हुए हो गया आधा घंटा। अच्छा, सारी जुगाड़ की मैंने कि हम लोग चाय वाय बना लें, सब कुछ तैयार कर दिया। एक्चुअली मैं सब ले भी आई थी इंडियन ग्रॉसर से, चाय पत्ती, चीनी। और एक बैड चीज हुई कि ये जो है मेरा, ये टूट गया। ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हुआ नहीं है। मैं इससे पहले भी ये सारे सामान यूएस लेकर आई हूँ, बट बड़ा बुरा लग रहा है, मेरा टूट गया। बट फिर भी मैंने इससे काम चला लिया और इसमें सब सामान डाल दिया। बड़ी खुश हुई मैं कि सब कुछ बड़ी जल्दी जल्दी मुझे मिल गया। मैंने सारा तैयार भी कर लिया, लेकिन दूध नहीं है हमारे पास। अब दूध नहीं है तो अभी क्या करें। तो एक चीज, सौरभ ने कहा गिरनार वाली चाय बना दो, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम उसमें नॉर्मल गर्म पानी लेते हैं ना, तो मैंने काली मिर्च अदरक वाली खौली हुई गर्म पानी ले लेती हूँ छान कर, उसमें गिरनार डाल दूंगी। इसमें चाय पत्ती चीनी नहीं डालूंगी, बिकॉज गिरनार में ऑलरेडी चीनी होती है, तो ज्यादा चीनी पड़ जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि फिर वो गिरनार वाली चाय आपको एक्चुअल में लगेगी कि आपने घर में बनाई है। तो चलिए, आज पहला दिन है हमारे अपने घर से। वैसे तो मेरा मन था कि कुछ अच्छा बनाते, भगवान को चढ़ाते, पर अभी भगवान की स्थापना नहीं हुई है, क्योंकि अभी पूरा सूटकेस खोलना पड़ेगा, जहां उन्हें रखा है वो निकालना पड़ेगा, फिर एक स्थान बनाना पड़ेगा उनका। तो मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, जब भगवान की स्थापना करेंगे, जब सारा सामान मेरा सज जाएगा, अपनी जगह पर चला जाएगा, तब हम घर में हलवा या खीर बना करके भगवान को चढ़ाएंगे। क्योंकि अभी क्या है ना कि ये सारी चीजें ना आप जमे जमाए घर में तो कर पाते हैं। अभी हम लोग तुरंत खुद ही नए आए हैं, अगर यहाँ पे एक चम्मच भी जुटाना है तो खुद ही जुटाना है, गाड़ी भी नहीं है। तो बड़ी सारी चीजें होती है ना कि अभी हमारी चीजें टाइम डिपेंडेंट है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सोसाइटी में आके। और मेरे वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितने सारे इंडियंस हमें यहाँ मिले। मतलब हम शाम को ऐसे ही टहलने निकले थे कि देखते हैं सोसाइटी पूरी कैसी है, एंड हम प्ले एरिया में चले गए। वहां पे इतने बच्चे शिबू की मुँह को, तो मतलब इतनी खुशी हुई, वो सारे फ्रेंड्स बन गए, सारे जा ही नहीं रहे थे, शिबू की मुँह मिल गई थी सबको। तो कोई शिबू के एज का है, कोई किमू के एज का है, कोई किमू से भी छोटा है, कोई शिबू से बड़ा है, बट दे ऑल वर प्लेइंग टुगेदर एंड दे वर सो हैप्पी। एक्चुअली एक माँ होने के नाते मुझे बड़ी शांति मिली, क्योंकि जब आपके बच्चों का मन लग जाता है कहीं, तो फिर आपका भी मन लग जाता है। तो शिबू को यहीं पढ़ना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है, तो अगर उसका मन लग गया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी तो बच्चे सो रहे हैं। हम लोगों ने इस बेडरूम में भी जो है, हम लोगों ने ये बेड अपना खोल दिया था, पर हम कल इस रूम में सोए नहीं। पता नहीं क्यों, हमें मुझे हमेशा बच्चों के साथ सोने की आदत है, तो हम सारे कोजी हो के उसी में एडजस्ट कर कुर के हम सारे यहाँ सोए। ये देखिए, सारे जो है यहीं पे लंबा लेट हुए पड़े। अब मैं ये चाय बना लेती हूँ, फिर अभी आपको सामान दिखाती हूँ। देखिए पूरा घर मेरा कैसे फैला हुआ है। ये तो दोनों जो बॉक्स हैं ये बाहर चले जाएंगे, क्योंकि बेड खुल चुका है तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये तो सब इंडियन ग्रॉसर का सामान। ये अभी मैंने सुबह उठ के अपने सारे बर्तन निकाले हैं। ये एरिया पूरा मुझे जो है अभी खाली करना है। ये जितना भी सामान आपको दिख रहा है, ये सारे सामान मुझे अभी खाली करने हैं। तो चलिए पहले चाय से शुरुआत कीजिए और उसके बाद काम में लगा जाए। देखिए पूरा सेटअप कर लिया है मैंने, और अब मैं जा रही हूँ इस घर की पहली रसोई बनाने के लिए। तो ये बच्चे उठ गए हैं, खेलना शुरू हो गई है खिमाया, और देखिए ऑलमोस्ट घर क्लीन हो गया। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े वो रखे थे, सब हम बाहर फेंक आए। हमने ये 2 फ्लोर लैंप लगाए हैं। अच्छा, ये मैं अभी निकाल के लेकर आई हूँ सूटकेस से, क्योंकि मुझे भी पराठे बनाने हैं। तो ये बस एक कार सीट है, इसको कहीं ठिकाने लगाना है। और सुबह मैंने आपको दिखाया था कितना मेस्ड अप था। देखिए यहाँ पे पूरा जो है, ये पूरा सब मैंने यहाँ से सारी चीजें सेट कर दी हैं पूरा। और ये पूरे अभी सूटकेसेस एक एक करके खुलेंगे, 2 खुल चुके हैं। ये वाला खुल चुका है क्योंकि इसमें सारे बर्तन थे, और वो वाला खुल चुका है, उसमें सारे ऐसे छोटे मोटे सामान थे वो हो गए। और अभी आइए आपको किचन है। मेरा किचन,
किचन में, हाँ, शिवन्या क्या बात है। तो ये जो है मेरा किचन ऑलमोस्ट सेट हो गया है, मेरी पेंट्री जम गई है जो मैं पूरा पटेल ब्रदर से लाई थी। तो ये बेसन है, ये चने की दाल, ये वर्मीसली, ये सूजी, ये सौंफ, जीरा, काली मिर्च, लौंग वगैरह, दाल वाल, राजमा वगैरह सारा कुछ यहाँ पे है। ऊपर वो रखी हुई है देसी घी और वो सारा का सारा मसाला वगैरह है, तो वो हो गया है। ऊपर मैंने ये तो फ्रिज ही है, फ्रिज में कुछ सामान लेकर आई थी मैं, कुछ सब्जियां वगैरह तो वो मैंने रख दी थी, तो धीरे धीरे फ्रिज भी स्टार्ट हो गया है। ये मेरा राइस कुकर की जगह डेजिग्नेट कर दी है मैंने। और क्या किया मैंने, हाँ यहाँ पे मैंने अपने बर्तन रखे हैं, कुकर है, ये अप्पे मेकर है, ये कढ़ाई है, और यहाँ पे हमारे रहेंगे, ये मैंने आटा खोला है, वो चावल है तो वो चला गया है। और ज़्यादा अभी कुछ सामान है नहीं, जैसे यहाँ अचार वगैरह मैंने यहाँ रख दिए हैं बच्चों का, और मतलब जो भी अभी तो ये खाली है, मतलब मैं हमेशा भरा भरा नहीं रखती हूँ किचन, तो ये अभी मैंने जस्ट खोला, लेकिन इनके डिब्बे नहीं है, अभी डिब्बे लाने हैं। और ये तो टूट ही गया, मैंने आपको दिखाया, फिर भी काम चल रहा है। ये रहा मेरा तावा, निकाल दिया है मैंने, और इसमें भी बनेंगी चाय। और हट बाबा, तो ये रहा अभी, इसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, अभी छोटा मोटा सामान डाला है मैंने। और ये मैंने आटा सान लिया था, ये मैंने आटा सान के यहाँ रख दिया है, अब इसमें बनाऊंगी अब मैं पराठे। तो मेरे पास आटा, सूखा आटा रखने की जगह नहीं थी, तो ये मैं शिवू की मुँह के लिए डिश लाई हूँ जिसमें वो दाल चावल खा सके, इसी में निकाला है मैंने। तो ये रहा मेरा पूरा किचन। ये मैट है, इसमें बर्तन धो के, शिवन्या की कार्रवाई है, यहाँ पे बर्तन धो के इस पे रखिए तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं अपना आज का जो है नाश्ता। बड़ी गिल्ट हो रही थी कि यार आज पहली रसोई है तो पराठा नहीं बनाती हूँ, कुछ मीठा बना करके पहले भगवान जी को भी स्थापित तो नहीं किया, बट छोटे से गणपति जी हैं जो हम लोग सब लोग एक एक अपने बैग में लेकर आए थे, तो उन्हीं को चढ़ा देती हूँ। तो अभी मैंने कढ़ाई बैठाई है, अब तवा साइड रख दिया है, अब ये सारी चीज़ें बाद में करूँगी, पहले बनाऊँगी उनके लिए हलवा, उनको हलवा चढ़ाएंगे और उसके बाद हम हलवे के साथ थोड़ा थोड़ा पराठा भी खा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मेरी यूएस की पहली रसोई। तो बड़ा गिल्ट हो रहा था कि बिना भगवान को भोग चढ़ाए पहली रसोई कैसे बनाऊँ, तो फटाफट से आटे का हलवा बनाया और बच्चों से मैंने भोग लगवा दिया। अच्छे से जो है मेरा हलवा बन गया है, अब बच्चों से भगवान जी को चढ़वाएंगे। भगवान जी को जो है प्रसाद चढ़ गया है, बच्चों के हाथों से चढ़वा दिया है, क्योंकि हम तो अभी नहाए नहीं है, अभी तो सब सेटलमेंट में ही चल रहा है। यहाँ बन रहा है पराठा, बस अब हम लोग नाश्ता करेंगे। तो एक तरीके से पहली रसोई जो है मेरी शुरू हो गई है, अब आज से मेरा किचन ओपन हो गया है, तो अब सब कुछ ठीक है, धीरे धीरे घर जो है वो सेटल होता रहेगा। तो एक बार सब लोग नाश्ता कर लेते हैं और फिर आप लोग उसमें। तो भी सुबह हुई थी, शिबू वगैरह नाश्ता खा के बड़ा ही अच्छा। आज हम लोग जा रहे कहीं नहीं जा रहे, लेके सूटकेस लेके। तो ये है कुछ बालकनी से हमारे यहाँ का व्यू, ये हमारा ऑफिस है यहाँ पे, लीजिंग ऑफिस, लीजिंग। अच्छा, लीजिंग ऑफिस। ऐसा है कि हमारे घर के बगल में ही ऐसा है कि लीजिंग ऑफिस है। तो बहुत अच्छा सा व्यू है यहाँ पे, शिवू मजा आ रहा है यहाँ पे? तो बस यही बालकनी है, तो शिवू ने कहा मम्मा बालकनी से बाहर जाना है, मैंने कहा चलिए। तो फिर हम इसको भी ना शिवू ये वाला सिर्फ जाली खोल के भी रख सकते हैं, हवा है ये है, और वहाँ अपना किचन अभी सब सेटअप हो रहा है, घर वगैरह सब कुछ। तो चलिए यहाँ पर भी आकर लाइफ धीरे धीरे मेरी सेट हो रही है, एंड दिस पार्ट ऑफ माय लाइफ विल बी नोन एज द न्यू बिगिनिंग,
एक नई शुरुआत है नई जिंदगी की। होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।